फरीदाबाद के सुरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। बता दें कि तेंदुआ सुबह पेड़ से कूदकर कंपनी के अंदर घुसा, जिसके बाद कंपनी में अफरा तफरी मच गई। तेंदुए की सूचना पाकर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने की जद्दोजहद शुरू की गई। काफी देर की मशक्कत के बाद जब तेंदुए को नहीं पकड़ा जा सका तो उसके बाद शाम और रेवाड़ी से भी तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए टीम बुलाई गई। हालांकि अभी तक तेंदुए ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। गनीमत ये रही कि तेंदुआ कंपनी चालू होने से पहले ही अंदर घुस गया था, जिसके बाद कर्मचारियों को कंपनी में घुसने की इजाज़त नहीं दी गई। बता दें कि कंपनी में घूम रहे तेंदुए की एक वीडियो सामने आई है। तेंदुआ मिलने वाली सूचना का मामला सारा ये है, जैसे ही तेंदुए की सूचना हमें सुबह प्राप्त हुई, उसी तरीके से जो है ना, मैंने अपने सीनियर अधिकारियों को सभी को बतलाया, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन दी। कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद कंट्रोल रूम ने जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताने के तुरंत प्रभाव बाद हम मौके पर भी आ गए। मौके पर आने के बाद मैं उन जगह को सुरक्षित रख ली। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कुछ टीम आ चुकी है, कुछ टीम जो है ना उनकी गुड़गांव और रेवाड़ी से आने लग रही है। तेंदुआ भी सुरक्षित है अंदर। जो एक औरत तूड़ा लेने को आई थी अपनी इसमें साइड में, तो उसने जब देखा तो देख कर उसको भाग के दीवार चढ़ के अंदर पहुंच गया वो। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।